नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर पिछले दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था और आर्यन खान बहुत ज़्यादा परेशान था और आर्यन खान की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान की परेशानी और आर्यन खान की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है और ये हर दिन बढ़ती रहती है। अभी इसी बीच आपको विश्वास नहीं होगा, एक शख्स ने शाहरुख खान के पूरे बंगले को बम से उड़ाने तक की धमकी दे दी है। कौन है वो शख्स जिसने इस तरह की बड़ी धमकी शाहरुख खान के घर को और शाहरुख खान को दे दी है, जाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि पुलिस वालों ने इस पर एक सख्त एक्शन भी लिया है। तो पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शाहरुख खान के बंगले को बम से उड़ाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बंगले को उड़ाने और कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ब्लास्ट करने की धमकी देने वाले शख्स को मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जबलपुर पुलिस के मुताबिक युवक ने महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन लगाकर मुंबई के विभिन्न स्थानों में आतंकवादी हमले और बम ब्लास्ट करवाने की भी धमकी दे रखी है। संजीवनी नगर थाना पुलिस के अनुसार युवक ने 6 तारीख को पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन लगाकर धमकी तक दे डाली थी। महाराष्ट्र पुलिस को फेक कॉल करने वाले आरोपी जितेश ठाकुर को जबलपुर की संजीवनी नगर थाना पुलिस ने उसके घर से हिरासत में ले लिया है। जितेश ठाकुर संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के गंगानगर क्षेत्र में रह रहा था। 6 तारीख को उसने महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल लगाई, जिसमें आरोपी ने महाराष्ट्र पुलिस को बोला कि मुंबई के कई महत्वपूर्ण स्थान, जिसमें शाहरुख खान का बंगला भी शामिल है और रेलवे स्टेशन भी शामिल है, वहां पर आतंकवादी बम धमाका करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अजीत फिर से बोनी कपूर और एच विनोद के साथ मिलकर आने वाली मूवी AK-61 पर कार्य करने वाले हैं। खबरों की मान तो आने वाले दिनों में आप सभी को बॉलीवुड से बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से शाहरुख खान के साथ पिछले कुछ दिनों से घटनाएं हो रही हैं, ये शाहरुख खान के फैंस के लिए चिंता का सबब बन चुकी हैं और शाहरुख खान के फैंस बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि अभी हाल ही में आर्यन खान का केस सामने आया और उसके बाद एक शख्स ने शाहरुख खान के घर को बम से उड़ाने तक की धमकी दे डाली। गनीमत यह रही कि पुलिस वालों ने इस शख्स को बिना किसी घटना को अंजाम दिए गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जल्द से जल्द पूछताछ की डिमांड हो रही है। मैं आपको बता दूं, अभी 2 महीने पहले हमने देखा था कि आर्यन खान की परेशानी इस कदर बड़ी थी कि आर्यन खान को जेल तक जाना पड़ा था और लगभग 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था, जिसकी वजह से शाहरुख खान और उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान हुआ और शाहरुख खान ने आर्यन खान को जेल से बाहर निकलवाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक एक कर दिया था और फाइनली शाहरुख खान को इसमें सफलता मिली और शाहरुख खान ने अपने बेटे को जेल से बेहद ही कम समय में जमानत भी दिलवा ली। लेकिन फिर भी शाहरुख खान की मुसीबत कम हो गई हो ऐसा लगता नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।